जुले प्रभु जी आचार्य भगवत श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय हो। सदैव करने वाले, जिसे अपनी भाषा में आप कहते हो सदैया जैनी। कौन से जैनी कह देते हो? सदैया जैनी, जो सदा बाहर होते हैं। कुछ हो या न हो, कोई आए या न आए, कोई करे या न करे, लेकिन वो तो अपना नहाता धोता है, धोती दुपट्टा पहनता है और सीधे सवेरे कहाँ आ जाता है? मंदिर में आ जाता है। और जिस दिन वो पूजा नहीं कर लेता है, उस दिन खाता भी नहीं है। कदाचित मजबूरी आ जाए तो भीतर से बेचैन हो जाता है कि आज मेरे से कुछ छूट गया। और जहां ये भावनाएं पैदा हो जाती है, महावीर कह रहे हैं श्रावकत्व के संस्कार सदैया जैनी में हो जाता है। किस में हो जाता है? सदैया जैनी में। लेकिन दूसरे नंबर पर के जैनी होते हैं, जिसे हम कह देते हैं भदैया जैनी। कौन से जैनी कह देते हैं? भदैया जैनी। जैसे ही भादों का महीना आ जाता है, पर्युषण पर्व आ जाता है, तो उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। एड्रेस चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? ड्रेस चेंज होता है। 10 दिन के लिए वो धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की पूजा के लिए आता है, अभिषेक के लिए आ जाता है। इसी अपने जैनियों में कौन से जैनी कह दिया उसे? भदैया जैनी। कौन सा जैनी कह दिया? भदैया जैनी कह दिया। तीसरे नंबर के वो जैनी होते हैं जो मरैया जैनी होते हैं। कौन से जैनी होते हैं? मरैया जैनी। जब उनके घर में कोई मर जाता है तो बोले 3 दिन के बाद, 13 दिन के बाद उनके खानदान को कहाँ आना पड़ता है? कहाँ आना पड़ता है? ऐसे आपको मंदिर में नहीं दिखेंगे, लेकिन कोई मर जाएगा तो कहाँ आना पड़ेगा उसे? बोले एक को मैंने भगवान के पास पहुँचा दिया है, प्रभु मेरे को जल्दी अपने पास मत बुलाना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आ जाता है वो, मरने के बाद ही आता है। किसी के घर में कोई मरे तो, अन्यथा भगवान से उसको कोई लेना और देना नहीं है। वो कौन से जैनी होते हैं? मरैया जैनी होते। कौन से जैनी होते हैं? मरैया जैनी। चौथे नंबर के जैनी हो जाते हैं लड़ैया जैनी। कौन से जैनी? ऐसे तो आपको मंदिर में कभी दिखाई पड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन मंदिर में लड़ाई हो, हिसाब किताब हो, अनंत चतुर्दशी हो, जुलूस निकलना हो, या कोई भी काम हो जाए, तो लठ लेकर के सबसे पहले ऐसे आपको मंदिर में दर्शन करते, पूजन करते, सत्संग करते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन लड़ाई हो तो, और आपको अजमाना हो तो एक आध दिन देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। वो कौन से जैनी होते हैं? लड़ैया जैनी होते हैं। और अंतिम नंबर पे एक जैनी और होते हैं जो छुटैया जैनी होते हैं। कौन सा जैनी? छुटैया जैनी। बेचारे गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, 6 दिन तक काम करने को जाना पड़ता है, 10-5 किलोमीटर, तो सोचते हैं चलो कम से कम आज का दिन छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन तो कम से कम भगवान के दर्शन और पूजन कर ले।
वो अंतरंग से पूरे श्रद्धालु होते हैं, बहिरंग से उनकी मजबूरियां होती हैं। ये पांच प्रकार के जैनों में आपका नंबर कौन सा है वो आप पता लगाते रहे ना। लेकिन महावीर अभी कह रहे हैं, और आप यहां पर अगर पूजन करने के लिए आए हैं, अकारण ही आए हैं, तो केवल भादो के महीने के कारण से आए हैं। किसके कारण से? भादो के। चलो आज भादो के महीने का पहला दिन है, भादो का महीना है, दश लक्षण का पर्व आया, तो हम पूजा करने के लिए आ गए। और पूजन करते वक्त उस शब्द की पूजा कर रहे हैं जो पूजा करने योग्य नहीं है, जो आचरण करने योग्य है। अब उत्तम क्षमा की आप क्या पूजा करोगे? क्षमा की क्या पूजा करोगे आप? क्षमा पूजा करने योग्य है या आचरण करने योग्य है? और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा किसकी की जाती है? जो इन गुणों को प्रकट कर चुका है उसकी पूजा होती है, शब्दों की पूजा नहीं होती है। दर्शन विशुद्धि की क्या पूजा करोगे आप? क्योंकि जिसकी आत्मा में दर्शन विशुद्धि हो गई है वो तो नरक में भी पड़े हुए अनेक जीव हैं। कहाँ पर पड़े हुए अनेक जीव हैं? नरक में भी पड़े हुए अनेक जीव हैं। दर्शन की विशुद्धि तो कई बार गधे को भी हो जाती है, ख्याल करना, छिपकली को भी हो जाती है, मेंढक को भी हो जाती है, हाथी को भी हो जाती है, खरगोश को भी हो जाती है। तो ये पूजा करने योग्य चीज नहीं है, ये क्या करने योग्य चीज है? आचरण करने योग्य। इसीलिए धर्म शब्द इसके साथ जोड़ा है, वो कह रहा है कि तुम जो शब्द को सुन रहे हो उसका आचरण करो। और आचरण करने का मतलब है जब तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उस समय तुम क्षमा को धारण करो। किसको धारण करो? किसको धारण करो? इसलिए धर्म की नींव सबसे पहले नंबर पर रख दी है, तो उत्तम क्षमा से रखती है। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो, इनके जीवन में भी अगर धर्म की नींव ढंग से पड़ी तो नेमिनाथ भगवान की पूजा से नहीं पड़ी। इनके जीवन में धर्म की नींव भी पड़ी तो अपनी पत्नी के साथ अपना ही भाई गलत कृत्य करने लग गया, तो चाहता तो कत्ल करने के लिए भी जा सकता था, लेकिन मन में विचार आ गया, जो हो गया सो हो गया। अब उस घाव को कुरेदने से घाव ठीक होने वाला नहीं है। अपने मन में संतोष दे लो और उसके साथ क्षमा का व्यवहार कर लो, ताकि उसके जीवन में अगर पुण्य का उदय आएगा तो सुधार आ जाएगा, नहीं तो मैं अपने पुण्यमय जीवन को पाप में क्यों बदलूं? इतना सब मन में विचार आ गया, और विचार आते के साथ ही इनके जीवन में कौन सा गुण आया? क्षमा का गुण आ गया। और क्षमा का मतलब हो जाता है किसी की गलतियों को भूलना, और क्षमा करते थोड़ी ना होता है, अपनों के प्रति भी आएगा और परायों के प्रति भी आएगा। अभी यहां पर अगर आप पूजा कर रहे हो तो ख्याल करना, अपनों के प्रति नहीं, परायों से जो क्रोध आता है उससे आपको समत्व दिलाया जा रहा है। पहली लाइन आपकी आ गई थी, देखो, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे, और धरिए क्षमा विवेक, और कोप न कीजे पीतमा। हे प्रिय जीव,
कौन कह रही है? आचार्य कह रहे हैं। हे परमात्मा पिपासु जीव, हे आत्म कल्याण के इच्छुक जीव, हे आगामी भव सुधारने वाले जीव, इस संसार में तुम पैदा तो हुए हो, न जाने कितनी गतियों में भटकते भटकते लड़ते झगड़ते मरते जीते तुम इस संसार में मनुष्य प्राय में आ गए हो, तो तुम्हें तो याद नहीं है, लेकिन तेरे अतीत का कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से लौट करके आएगा, और लौट करके आएगा तो तेरे को क्या पहुंचाएगा? पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, बेचैनी पहुंचाएगा, ईर्ष्या पैदा कराएगा, प्रतिशोध उत्पन्न करेगा, टांग खींचेगा, जो तुम्हारे बिगाड़ के साधन हैं वो करना चाहेगा, प्रेम से भी कर सकता है और घृणा से भी कर सकता है। प्रेम से मिटाने वाले का रूप अलग दिखाई पड़ेगा और घृणा से मिटाने वाले का रूप अलग दिखाई पड़ेगा। बोले जो घृणा से पहले मिटा रहा है, क्रोध से पहले मिटा रहा है तुम्हें, तो सबसे पहले उनके बारे में सोच, क्योंकि तू परमात्मा के पास आ गया, पूजा करने के लिए आ गया है, आराधना करने के लिए आ गया। और जब कभी भी तुम आते हो तो आप देख लो ना, सबसे पहले परमात्मा के पास आते हो, तो कहीं पर भी धर्म के स्थान पर जाते हो तो आपसे पहले नंबर पर कह दिया जाता है कि भाई तुम मंदिर में आए हो, परमात्मा की पूजा कर रहे हो, तो सबसे पहले किसी न किसी निमित्त को पा करके तुम्हारा दिमाग गर्म होगा, इसलिए तू परमात्मा के पास जाने के बाद सबसे पहले नंबर दिमाग को ठंडा करने के लिए एक चंदन का तिलक लगा लेना। किसको सबसे पहले ठंडा करा दिया? भगवान के पास आते के साथ ही गर्म हो रहा है दिमाग, बोले इसको तो क्या कर ले, पहले नंबर पे शांत कर ले, क्योंकि श्रेष्ठता के स्थान पर तुम्हें निमित्त मिलेगा, अन्य स्थान पर मिलेगा वो अलग चीज है, और अपने स्थान पर मिले वो अलग चीज है। पराय स्थान पर मिलेगा तो इंसान कमजोर भी होगा तो समत्व धारण कर सकता है, लेकिन अपने स्थान पर कमजोर हो या बलवान हो, समत्व धारण करने में और ज्यादा परेशानी होती है। चींटी अगर आपके सामने आ रही है तो आपको खतरा कम महसूस होगा, कि चींटी काटती भी है उससे आपको खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो चींटी अगर हमें काटने के लिए आएगी वो बिल्कुल दुष्ट स्वभाव की है, वो आएगी और काटेगी तो आपके भीतर भी ताकत होती है कि सामने और उसे मसल देंगे। वो घृणा का है, घृणा वाले से जूझने की क्षमता पैदा हो जाती है प्रतिशोध में। लेकिन आप अगर अपने घर में देखोगे दीमक है, दीमक कभी काटती नहीं है, कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचाती है, आपको दिखती भी नहीं है, लेकिन क्या करती है? बोले भीतर ही भीतर से जिस लकड़ी में भी बैठ जाती है उसे भीतर से खोखला कर देती है। प्रेम से प्रतिशोध लेने वाला अगर कोई हो तो बोले उससे सावधान रहना, क्रोध से प्रतिशोध लेने वाला हो तो कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पास ताकत भी है, चींटी को तुम मसल सकते हो, दीमक का क्या करोगे? खतरा पैदा किससे है? दीमक से है, चींटी से नहीं है, क्योंकि चींटी तो बाहर से आक्रमण कर रही है। लेकिन महावीर बता रहे हैं पहले नंबर पर तुम क्षमा को धारण करना चाहते हो तो अपने भीतर के शत्रु से तो निपटना अपनी क्षमता से, लेकिन पहले बाहर से भी निपटना, तो किससे निपटना? पीड़े दुष्ट अनेक, इस संसार में कितने सारे जीव हैं? अनेक जीव हैं, जीवों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी है क्या? जीवों की कोई भी कमी नहीं है। और वो जीव कब तुम्हें कष्ट पहुंचाए, कब तुम्हें दुख पहुंचाए, कब तुम्हें बेचैन कर दे, कब तुम्हें पीड़ा दे दे, अभी तो केवल किससे कह रहे हैं? तन का, अभी वचन का नहीं है, काया का नहीं है, अभी तो तन से कष्ट देने वाले के प्रति समत्व भाव पैदा कर रहे हैं। बोले उसके प्रति तो सहज हो जाता है,
आप देख लो, कोई आपको तन से कष्ट दे लड़ने झगड़ने के लिए आ जाए, अगर आपसे बलवान हो आपको पीट रहा हो तो क्या करोगे भाई, अभी झेल लो, दो थप्पड़ में काम चल जाएगा। और अगर अपन प्रतिशोध करेंगे, लड़ने बढ़ जाएंगे, तो लात भी चलेगा, घुसा भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, सर भी फूटेगा और पता नहीं दी एंड भी हो जाए। कुछ पता है क्या? नहीं है। इसलिए जब जब भी दुष्ट आदमी आक्रमण करे तो बोले सावधान, तुम अगर सामने वाला अगर तुम्हें आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तुम अपने भीतर पेशेंस, समता, क्षमा को धारण कर लो, समय तो दो क्षण के लिए काम करेगा, और जब देखेगा सामने वाला ठंडा है तो वो भी क्या करने लग जाएगा, जोर से बोलेगा, गाली बकेगा, उकसाएगा। अगर तुम उकस गए तो वो तो आया ही बदला लेने के लिए, और तुम उकसे नहीं, धरिए क्षमा, किससे? विवेक से। क्योंकि क्रोध का सबसे पहला रूप यही होता है कि वो तुम्हारे विवेक पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? और जहां विवेक पर अटैक करता है तो तुम अपनी सुधबुद्ध, और उसी समय आपसे न चाहते हुए भी कई गलत काम हो जाते हैं। इसलिए कितना बढ़िया शब्द कह दिया, विवेक का इस्तेमाल कर लेना। क्योंकि सबसे पहला अटैक कहां करेगा? विवेक पे। क्योंकि क्रोध की विशेषता यही है कि क्रोध का प्रारंभ नादानी से होता है और अंत पश्चाताप से होता है। तुम्हें पश्चाताप का मौका ही नहीं आया, इसलिए प्रारंभ में ही नादानी मत करो। लेकिन हमारे भीतर का जो क्रोध होता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शरीर के भीतर रक्त है, कि एक किसी ने पिंच भोया नहीं कि जैसे रक्त बाहर आ जाता है, उसी प्रकार एक शब्द किसी ने कहा नहीं कि हमारे भीतर का क्रोध एकदम वाणी में बाहर आ जाता है। एक मिनट के लिए चुपते नहीं हो, क्योंकि आपके मन में भाव आ जाता है हम किसी से, और ये भाव जहां आता है वहां पर आप सोचते हो सुनो क्यों, और भीतर से क्या निकलता है, वाणी निकलने लग जाती है। इसलिए कितना बढ़िया शब्द कह दिए, धरिए क्षमा विवेक। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला, इसलिए धरिए यानी धारण करो, किसको? क्षमा को। और क्षमा को कब धारण कर सकते हो? जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए। स्वार्थ जागृत हो तब नहीं, क्योंकि जब स्वार्थ जागृत होता है तब भी शांत हो सकते हो। क्या जागृत होगा? स्वार्थ जागृत होगा तब भी शांति रख सकते हो। क्योंकि क्रोध का निमित्त तो कब मिलेगा? जब तुम्हारी और हमारी रुचि में भेद होगा। क्रोध कब आता आदमी को? रुचि भेद के कारण से आता है। किसके कारण से आता है? रुचि भेद के कारण से आता है। क्रोध कब आता है? बोले जब हमारे भीतर स्वार्थ पैदा होने लगता है। क्या पैदा होता है? स्वार्थ पैदा होता है, तब आ जाता है। जब हमारे भीतर अपेक्षाएं होने लग जाती है तब क्या आता है? क्रोध आ जाता है। आने के निमित्त बहुत हैं, क्रोध के आने के दरवाजे बहुत हैं। क्रोध तो बिल्कुल पानी के समान है, उसको तो दीवाल में एक छेद बस मिल जाए, बाकी पूरे दीवाल को गीला करने में, सीलन लाने में कोई भी संकोच नहीं करता। वो तो पानी के समान है, कितना भी सुंदर पेंट करके रखो तो कहेगा अब मैं पेंट को अलग करना चाहता हूँ। आपके परिवार में भी अगर एकता रहती है तो जहाँ क्रोध का पानी प्रवेश कर जाता है तो जिससे सौंदर्य तुम्हारा बढ़ रहा है मकान का, उस सौंदर्य के पेंट को सबसे पहले अलग करेगा, जिससे तुम्हारे समाज का, परिवार का, राज्य का, देश का, धर्म का सौंदर्य बढ़ता है, सबसे पहले क्रोधी क्या करेगा? उसको काटेगा। क्योंकि ये जानता है जब तक ये रहेगा तब तक मैं उस दीवाल को, सीमेंट को, रेत को पी नहीं पाऊंगा। इसलिए पीने के लिए वो किसको हटाता? सबसे पहले मकान के सौंदर्य के लिए जो आपने पेंटिंग की है। क्रोधी व्यक्ति भी आपके सामने पानी की भांति घुसता है तो सबसे पहले किससे संबंध तोड़वाता है आपका? जो आपके होते हैं, जो अपने होते हैं, चाहे संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे काम हो, चाहे धाम हो, चाहे धर्म हो, वो बोलता है ये पपड़ी तो अलग हो जाए। क्योंकि वो जानता है जब तक ये रहेगा तब तक मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाऊंगा। भीतर धधकती हुई ज्वाला होती है। कौन सी ज्वाला होती है?
धधकती भी ज्वाला होती है। इसलिए बोले वो जब पैदा हो रहा है तो धरिए क्षमा विवेक, उस समय क्या रख लो, क्षमा और विवेक रखो। विवेक रखोगे तो क्या होगा, कोई उबल भी रहा है तो तुम घबराओगे नहीं, भागोगे नहीं, बेचैन नहीं होगे, लेकिन हां सावधान जरूर रहोगे। क्या जरूर रहोगे, सावधान, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये स्थिति बन जाती है। दूध जरा सा आप अपने कढ़ाई में उबालते हो तो उबलता है, क्या होता है वो, उबलता है, और जैसे जैसे उबलता है तो आप देखोगे दूध उफन करके क्या करता है, जो ऊपर भी प्लेट है उसको धक्का देता है कि मैं नीचे गिरूं और किसको बुझा दूं, किसको बुझा दूं, अग्नि को बुझा दूं। लेकिन अग्नि को बुझाने से क्या दूध का उबलना खत्म हो जाएगा, बोले नहीं, उस उबले हुए दूध में भी तो कहीं ना कहीं घी मिला हुआ है, वो नीचे जाएगा, एक मिनट तो बुझाने का नाटक करेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको और भी भड़का देगा, क्या करेगा, भड़का देगा। लेकिन विवेकवान उसके सामने बैठी रहती है महिला, दूध कर्म करने वाला हलवाई, जो एक्स वाई जेड कोई भी बैठा हुआ होता है तो क्या करता है, बोले दूध को फनने दो कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे अग्नि लग रही है और जब तक अग्नि है तब तक पहले नंबर पर क्या करेगा, बोले लकड़ी को ही हटाएगा, नीचे से किसको निकालेगा, लकड़ी को निकालेगा। आप अपने घर में रहते तो किसको बंद करोगे, बोले गैस को कम कर दे, सबसे पहले जो कारण है उसका निवारण करोगे कि इस दूध को उबालने वाला कौन है, हमें क्रोध पैदा कराने वाला और निमित्त भूत साधन मिलेगा और नियम से मिलेगा, तो पहले नंबर पर कोशिश क्या करो, बोले कोशिश ये करो जो क्रोध का कारण अग्नि है उस लकड़ी को थोड़ा सा बाहर कर दो, वो गैस जो जल रही है उसको थोड़ा सा कम कर दो या बंद कर दो, और उसमें लकड़ी डालने लगोगे तो बोले और भी भड़कने लग जाएगा, और भी दूध उबलने लगेगा, और लकड़ी को निकालने के बाद भी लेकिन उसमें थोड़े थोड़े अंगारे पड़े रहते हैं, उसकी उष्मा भी जाती है तो फिर से वो, बोले अब कुछ नहीं करना है तो समझदार महिला बाजू में बैठी हुई है तो वो कुछ भी नहीं करती है, एक मिनट में यूं पानी में उंगुली डालती है और यूं करके उस दूध में, और जैसी दो बूंद छिड़कती है क्या हो जाता है, स्वयमेव शांत्यते, स्वयं क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, दो क्षण के लिए बैठ जाती है, क्योंकि वो दूत कहने लगता है कि हे अग्नि तू बड़ा दुश्मन था मेरा, तेरे दुश्मनी के कारण से जो मेरे भीतर पानी था तूने ऐसी आग लगाई कि मेरा जो मित्र था वो मित्र मुझसे अलग होने लग गया। दूध अग्नि को बुझाने के लिए क्यों तड़पता है, क्योंकि अग्नि उस दूध का जो मित्र है पानी उसको क्या करता है, जलाता है, क्योंकि क्रोधी का काम यही होता है अलग करना, और वो अलग करता है तो वो फिर जैसे ही अग्नि का अलग करता है बोलते समय तो जैसे एक बूंद पानी का छिड़कता है फिर शांत हो जाता है, बोले चलो मेरा मित्र तो मिल गया, मेरा मित्र तो मेरा मित्र, और जैसे मिलता है इतने देर में फिर नीचे वाला कहता है अरे यार उसको भड़काया तो था लेकिन फिर मिल गया, क्या बात है, अभी मेरी बात का पूरा असर दूसरा उपाय ढूंढेगा। लेकिन दूत के पास बैठी हुई समझदार महिला जिसके पास विवेक नहीं खोया है, वो बैठी हुई महिला के सामने विवेक है तो फिर दूध उबलेगा तो फिर पानी, और जब जब दूध उबले तो कहेगा अरे पानी का नुकसान तो ये चूल्हा कर ही रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, बीच में पानी डालती है तो जितना पानी एक एक बूंद करके डालती है मलाई ऊपर आती है तो और ज्यादा मलाई आती है, पानी डालते जाओ दूध गर्म होता जाता है तो क्या ज्यादा आता जाता है, मलाई और आने लग जाती है, और अगर कहीं उसको निकाल करके कढ़ाई के किनारे रखते जाओ तो और भी स्वादिष्ट पैदा होता है, सब पैदा उसी में से हो रहा है,
बोले तुम संबंध को नहीं छोड़ो और उस मैत्री को निभाते रहो तो पराय व्यक्ति क्रोध से तुम्हारे जीवन को कितना भी जलाने की मिटाने की चेष्टा करें, बल्कि और समझ पैदा होगी तो तुम और गाढ़े मलाई बनोगे या और गाढ़े रबड़ी बनोगे। सुधार तो तुम्हें करना है, दूध से तुम्हें रबड़ी तक बनना है। तो बोले वो कौन सा है? शांति, पानी की बूंद। वो पानी की बूंद और कुछ नहीं है, विवेक की बूंद है, क्षमा की बूंद है, आचरण की बूंद है, और किसी चीज की नहीं है। वो तो दुख देगा ही देगा, और स्वाभाविक है कि उबलते हुए चीज को आप देखोगे तो आप छुएगे तो भी जलोगे। और महावीर कहते थे शांत कर, डाल मलाई, और जब थोड़ा और जम जाता है आप देखते हो कि अब अग्नि भी बुझ गई है, वो भी राख बनने वाली है और दूध भी गर्म हो गया है, तो आप फिर अगर कहीं उसे और भी ठंडा कर दोगे, खाली पानी डाल के उसको एक मिनट शांत कर रहे हो तो मलाई जम रही है, लेकिन कहीं फ्रिज में रख दोगे उसी दूध को ठंडा करके तो और मोटी मलाई थक्की की थक्की जमेगी, क्योंकि अब बिल्कुल ही क्या हो गया, दिमाग से शांत हो गए। स्थान को ही आपने क्या कर दिया, बदल लिया। भट्टी से किस में आ गए हो, फ्रिज में आ गए हो। कितना अंतर पड़ गया, चीज वही है लेकिन स्थान बदलते ही उसका रूप बदल जाता, और भी अच्छी मलाई जमने लग गई, क्योंकि वहां पर तो अग्नि थी, जमने वाली थी, लेकिन पानी कितना डालते रहोगे, ज्यादा भी नहीं डाल सकते, ज्यादा डालने से और खराब भी हो जाता। कितना बढ़िया उदाहरण है। तो दूध पानी सी गहन मैत्री हो जाती है क्षमा के साथ। किसके साथ? क्षमा के साथ। और वो क्षमा के साथ जब होती है तो आनंद अपने घर में ही बरसने लगता है। इसीलिए महावीर कह देते जिसके भीतर क्रोध है उसके भीतर सुख नहीं है। कोहाभिभूयम न सुहम लहंती। शास्त्रों में एक सूत्र आया है कि जिसके जीवन में क्रोध है उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं रहता। आप देख लीजिएगा, आपके घर में कितना भी अच्छा मकान हो, कितनी भी सुंदर पत्नी हो, कितना भी अच्छा व्यापार चलता हो, कितनी भी लंबी गाड़ी हो, कितने भी सुंदर बच्चे हो, कितना भी आपका बाहर सम्मान हो, लेकिन अगर आपके भीतर घर में रह करके क्रोध है तो क्या पत्नी को पति अच्छा लगेगा, पति को पत्नी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्या आ गया है? क्रोध। कितना भी अच्छा मकान हो, जब देखो तब लड़ते रहते हो, मैं तो चली, मैं तो घर नहीं आऊंगा, लेट आऊंगा, क्योंकि जब देखो तब तू, जब देखो तब तुम। अब देखिए मकान अच्छा है लेकिन वह मकान कैसा लग रहा है? काटने को दौड़ रहा। किस लिए दौड़ रहा है? पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, सौंदर्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन किस में कमी है? स्वभाव। और क्रोध विभाव है और क्षमा स्वभाव है। यह ध्यान रखना, क्रोध करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, क्षमा धारण करने के लिए मेहनत, लेकिन आदमी तो मेहनती है ना, वो रहना ही नहीं चाहता आराम से। वो तो और कह देता खाली घर, शैतान का इतना बदनाम कर दिया है। बोले जो कुछ न करे वो शैतान है, खाली बैठा ठाला बैठा। जबकि महावीर कहते क्रोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ती है, मुट्ठी बांधनी पड़ती है, दांत भीचना पड़ता है, आंखें लाल करनी पड़ती है, जोर से चिल्लाना पड़ता है अपनी एनर्जी को। आप कितना अच्छा काम करते हो और हम लोग कैसे हैं जो आप लोगों को अच्छा काम करने से रोक रहे हैं? सोचो आप, धर्म रोक रहा है आपको। बोले कि एनर्जी क्यों बाहर वेस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी का क्या कर लो, सदुपयोग, शांत बैठ जाओ। बोले महाराज क्षमा धारण करने में तो पसीना आ जाएगा। क्षमा धारण करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। कभी कभी उस क्षमा को धारण करने पर आप ख्याल करना, जब सामने वाला उग्र हो रहा हो और तुम अपने आप में हंसी ला करके काम करने लग जाओगे तो सामने वाला और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। आप अपने आप में देख लो, कभी कभी घर में रहते हो और बच्चा कोई गलत काम करके आ गया है और अगर आपको गुस्सा आ रही है और अब मम्मी खूब चिल्ला रही बच्चे के ऊपर, लेकिन बच्चा पकड़ में नहीं आया और पीछे पीछे भागता है, चल पकड़ने के लिए भी जाती है, और मम्मी बक 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 चिल्ला रही है, गाली बक रही है, और वो देख करके और हंस रहा है मम्मी को देख करके, चलो मम्मी को और ज़्यादा गुस्सा आती है, और ज़्यादा आती है।
क्योंकि अब देख रहा है कि सामने वाला हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है, सामने वाले का और क्रोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर वो भी प्रत्युत्तर देने लग जाए तो जो भीतर से माँ को प्रेम उमड़ रहा है और बाहर से क्रोध दिखा करके अपना काम कर रही है, उसमें बदलाव आ जाएगा, एक क्षण में बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव दिखने वाला, लेकिन भीतर से अगर आप देखोगे तो वो भीतर से महसूस होने लग जाता। इसीलिए कहते जब कोई क्रोध का अवसर आता है तो सामने वाला अगर कोई गर्म हो रहा है तो तुम थोड़ा सा स्माइल फेस कहते ना जिसे आप देखो सामने वाला चिढ़ेगा। और कई लोगों के साथ ऐसे ही होता है, कुछ कई लोगों पूछते महाराज गुस्सा आती क्या करे, गुस्से का तो काम ही है बुद्धि पे अटैक करना। किस पे अटैक करना? बोले उस समय उसकी बात को सुनो, अगर वो गलत कह रहा है तो बोले हमें इससे क्या मतलब, और सही कह रहा है तो मुझे सुधार करना चाहिए, वाले पर क्या विश्वास करना, जब मैं ऐसा हो ही नहीं और वो ऐसा बोल रहा तो क्या डरना, क्यों गुस्सा करना। बोले थोड़ी देर के लिए वो विपरीतता आती है और आएगी जरूर, ये मान करके चलो आएगी जरूर, क्योंकि जब भी पहली पानी की बूंद शरीर पे गिरेगी तो शरीर में फुरूरी जरूर आएगी, लेकिन तुम मजबूत होकर के उसको झेलते चले जाओगे तो फिर वो पानी का असर, बल्कि वो पानी और अच्छा कर देगा, और अंदर जो एनर्जी है अपने आप में टेम्परेचर मेंटेन करने लगेगी। तो पहले सामने वाले का आक्रमण क्रोध से होगा तो स्वाभाविक क्रम से आपके भीतर उत्तेजना आएगी, ईर्ष्या आएगा, प्रतिशोध का भाव आएगा, कुछ मैं बोलूं जवाब दे दूं ये भाव पैदा होगा। लेकिन वो पहली बूंद दूसरी बूंद को केवल झेलो। आप भी कभी बिहार करते ना, देखते ना, तो जब शुरुआत में पानी गिरता तो आप भागने की कोशिश करते कि कहीं मिल जाए वहां पर छुप जाए, लेकिन देखिए कहीं उपाय नहीं और पानी ज़्यादा गिर गया और गीले हो गए, अरे बोले आप क्या बिगड़ना मजे लो, उसी पानी का आप क्या लेने लग जाते हो, मजे लेने लग जाते, उसी क्रोधी का मजे लेने लग जाओ। क्या लेने लग जाओ? क्रोधी का जब मजा लेने लग जाओगे मैदान छोड़ करके भाग जाएगा, और अगर मैदान छोड़ के भागा नहीं तो वाणी से डंडे पे आ जाएगा, लात पे आ जाएगा, गाली पे आ जाएगा, घुसे पे आ जाएगा, तो उसका नेचर अपने आप ही समझ में। और जो ऐसा विपरीत नेचर का है उससे तो क्या कहते हो आप, भगवान बचाए, या फिर ट्रकों के समान अपने दिमाग में लिख दो कृपया उचित दूरी, उससे दूरी बना करके रख लो। दूरी बना करके रख लोगे तो तुम्हारे भीतर का बिगाड़ पैदा नहीं होगा, और इस अवस्था में होता है। जब जब आपका विवेक जागृत होने लगेगा तो अपने आप ही होने लग जाएगा। कोई बोले तो गुस्से में आप हंसते रहो, बोलो अच्छा और सच्ची में और कुछ, अरे गजब हो गया। हाँ वो अपना कहेगा मैं पागल है जो इतने देर से चिल्ला रहा हूं, लगता तो ऐसा ही है, चिल्ला क्यों। ये चीजें आएगी परिस्थिति, इसलिए यहां पर जो बाहर का कह रहे पीड़े दुष्ट अनेक, अभी बाहर के जो दुष्ट हैं वो तुम्हें क्या करेंगे, कष्ट देंगे। पीड़े दुष्ट अनेक, बाहर के जो दुष्ट हैं वो तुम्हें क्या देंगे, कष्ट देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पे इष्ट की पूजा कर रहे हो तो बोले इष्ट की पूजा मत करो, उसका जो गुण है उसे थोड़ी देर के लिए स्वीकार करो। इष्ट की पूजा तो करते हो लेकिन इष्ट के गुण को ग्रहण नहीं करते हो। आप जिह्वा में क्या ग्रहण करते हो, स्वादिष्ट क्या ग्रहण करते हो, अनिष्ट नहीं करते हो, लेकिन बोलते कैसा हो, अनिष्ट। सामने वाले को स्वाद आए ऐसा इष्ट नहीं बोलते हो। तो बोले भगवान के पास आ गए हो इष्ट के कारण से, तो इष्ट के कारण से तो एक भाव पैदा करो कि प्रभु आपकी पूजा नहीं करना हो, मैं तो पारसनाथ की पूजा कर रहा हूं, आपको याद आ जाएगी, प्रभु आपके गुण मुझे याद आ गए हैं कि आप भी तो 10 भाव पहले आपके साथ कैसी बुरी स्थिति हो गई, अपने ही घर में अपनी स्थिति। भाई 5 पाप में एक ही तो पाप होगा, ये कुशील का पाप था, कभी कभी घर में परिग्रह का पाप आ जाएगा, 2 भाई हो तो धन की लड़ाई हो जाएगी कि नहीं, कभी चोरी का पाप आ जाएगा, 2 भाई एक ही दुकान में बैठे हुए हो जरा सा विश्वास कम हो गया तो धीरे धीरे पैसा निकालने लग गया, आपको पता नहीं लग रहा है,
चोरी करेगा, इकट्ठा ही तो कर रहा है। कभी कभी अति विश्वास से बोल दे, तुम कागज में जो भी खर्चा करो लिख देना, ज्यादा खर्चा कर देगा, बाद में क्या बोलोगे, हिसाब लगा लो, ठीक है खत्म काम, अब मामला तो कितनी सारी चीज आ गई है। तो परिग्रह आ गया, कुशील आ गया, या फिर दोनों साथ में हो तो धीरे से निकाल रहा है, चोरी आ गई। क्यों, आजकल नुकसान बहुत हो रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा, माल तो पूरा आया था लेकिन बच नहीं रहा है। दिमाग खोपड़ी लगाएगा तो झूठ बोलेगा, क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, और नहीं विश्वास करोगे तो फिर हिंसा पे आ जाएगा। पांच पाप कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए इसको कसाय कहा है, पाप नहीं कहा, क्रोध मान माया लोभ को कसाय कहा है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह को। तो पाप में मजबूती देने वाला कौन होता है, कसाय होता है। किसको मजबूती देने वाला, अगर भीतर कसाय ना हो तो पाप में कोई मजबूती नहीं है, ये ध्यान रखना, पाप में मजबूती। इसलिए कभी कभी आप देखो कसाय के वशीभूत होकर के एक सांप को काटा, महाराज के गले में डाल दिया, कहाँ चला गया, कसाय की तीव्रता थी, किसकी तीव्रता थी, और कौन से नरक का आयु बंद कर लिया, सातवें नरक का। लेकिन आज अगर कसाय की तीव्रता नहीं है, केवल लोभ है, स्लॉटर हाउस भी खोल के बैठा, सातवें नरक नहीं जाएगा, कौन से नरक नहीं जाएगा, बोले क्रोध कसाय नहीं है उसके भीतर, इसलिए सारा ट्रीटमेंट कर्तव्य काटता है, हिंसा भी कर रहा है और सेवा भी करता है उसी जानवर की, उसी जीव की। आप देखो भीतर की परिणति को देखना, वो माँ के समान हो रहा, बाहर से चिल्ला रहा है और भीतर से कह रहा है बेटा तो अपना ही है, थोड़ा सा अपना काम हो जाए बस, इससे पढ़ लेगा लिख लेगा सुधर जाएगा तो अपने ही तो काम आएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वो भी ये सोचता है कि धन है मेरे भविष्य में काम। जैन दर्शन कितना गहरा है आप सोचो, आप सोचोगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा, भीतर से केवल महसूस करो। क्षमा बहुत छोटी सी चीज है, जहां कुछ ना करना पड़े बस उसका नाम क्या है, और जहां कुछ करना पड़े वही क्रोध है, वही क्या है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाएगा तो पीड़े दुष्ट अनेक, याद कर लो पारसनाथ की, उस समय क्या किया था, केवल कुशील, आज कुशील नहीं है घर में तो बोले परिग्रह है, चोरी है, झूठ है, और ये सब चीजें जब आगे बढ़ती चली जाती है तो आप थोड़ा इंतजार कर लेते हो कभी कभी कि अभी तो पिताजी जिंदा बैठे हुए हैं इसलिए कुछ ना कुछ काम, इसलिए थोड़ा धैर्य से इंतजार करते हो, और कहीं पिताजी हिसाब किताब करके न करके जाएं दोनों में अच्छे से एक से बंटवारा, तो आपके दोनों भाइयों में क्या हो जाएगी, हिंसा, कोर्ट कचहरी, थारे मारे, लेने देने, कितनी सारी चीज आ जाती है। और महावीर बाहर से ही बचा रहे हैं कि बाहर से ये प्रकृति आएगी तो तुम्हारे पास आ जाएगी, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे, कभी तुम्हें बांधेगा, कभी मारेगा, कभी सुनाएगा, कभी किसी न किसी को बोल करके दुश्मनी पैदा करेगा, या जो चीज़ तुम्हारे पास है कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर 9-2-11 करेगा, या फिर इधर उधर से काम करने लगेगा। ये दुष्ट अनेक प्रकार के आपके जीवन में आएंगे, उस समय क्या करना, बोले धरिए क्षमा विवेक। जब तक आपके पास विवेक है तो विवेक आपसे कहेगा अगर मेरे पास योग्यता है तो पैदा कर लूंगा, क्यों मैं दुश्मनी लूं, क्यों मैं झगड़ा पैदा करूं, क्यों मैं पिता पुत्र लगूं, क्यों मैं मित्रों का नुकसान करूं। तिर्यंचों के साथ तो कितना होता है, क्या कर लेगा तिर्यंच, उसको बांध लो, मार लो, पीट लो, क्या करेगा, खुला है तो सिंह मार देगा, नहीं तो बाकी तो उसको कष्ट झेलना ही पड़ता है। इसलिए कह दिया ये देखो, कोपन कीजे पीतमा, क्या मत करो, क्या मत करो, पीतमा यानी हे प्रीतम, हे भगवान आत्मा, हे आत्म कल्याण इच्छु आचार्य, अपने आप से आपको क्या बना रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, प्रीति पूर्वक संबोधन कर रहे हैं, मैं तो बस्ता चला गया हूं, तू भी अब मेरे पास आ गया है, पूजा कर रहा है तो तू भी क्या कर ले, बच जा, छोड़ दे, थोड़ी देर की बात है, ये तो ठंडी हवा है, आएगी तो फुलूरी देगी, लेकिन तू उससे घबरा मत, 2 मिनट में वो रोम वापस क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, काम होने वाला नहीं क्रोध में। ब्लड प्रेशर भी हाई हो तो वो ब्लड निकाल करके दूसरे को नहीं डालेगा,
बोले मालूम है अभी मामला इसका गड़बड़ है, खरगोश में रिसर्च भी किया गया था, अगर तुम्हारे भीतर क्रोध आता है तो तुम्हारे शरीर के सारी चीज़ें बदल जाती, और तात्कालिक समय में अगर तुम्हारा ब्लड भी दूसरे को दिया जाए तो वो और जल्दी बीमार भी पड़ेगा और मर भी सकता है। बच्चा तक जानता है कि मम्मी क्रोध में दूध पिला रही है या प्रेम से। अगर मम्मी कोई काम कर रही है और बच्चा बहुत रो रहा है तो उसको गुस्सा आ जाती है कि चुप ही नहीं हो रहा है, भूख लग रहा है, तो गुस्से में उठाती और गोद में बैठाती और कहती ले पी ले, मुंह फेर लेता, आंख फाड़ करके माँ को देखता है, ये मेरी माँ है या मेरी दुश्मन है या डायन है, इतने गुस्से से बोल रही है, मुंह फेर लेता, नहीं पीता। वो जानता है कि अभी माँ गुस्से में पिला रही है, मेरा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। माँ देखती है कि ये तो आंख दिखा रहा है और मुंह फेर लिया है, दूध पी भी नहीं रहा है, लेकिन चुप भी है, वो सहमा हुआ है, वो चुप नहीं है। उसी समय माँ कहती है आखिर में है तो मेरा, और एक मिनट में सिर पे हाथ फेरती है, पाँव को हिलाती है, थपकी देती है, मेरा राजा बेटा कहती है। वो सोचता अब मम्मी आ गई है, अभी तक तो डायन आई थी, अब मम्मी आ गई है, दूध पी लो। इतना सा बच्चा भी पहचान जाता है, कितना सा बच्चा, और आप कितने बड़े हो गए हो। संस्कार तो बचपन से बैठे हुए ना, क्रोधी व्यक्ति का खून निकाला इंजेक्शन से, और इंजेक्शन से निकाल करके खरगोश को लगा दिया। वैज्ञानिक लोग परीक्षण करते रहते हैं कि कोई उत्तेजित हो, बीपी हो, क्रोधी हो, बीमारी हो, कुछ ना कुछ हो, टेंशन हो, उसका रक्त नहीं लेते, इसलिए ब्लड डोनेशन करने वाले को भी तो देखते हैं। और लगा दिया खरगोश को, तो वो खरगोश बढ़िया से गाजर खा रहा था, एकदम से कूदने लगा, दूसरे को नोचने लगा, और तेजी से भागने दौड़ने लगा, झगड़ने का व्यवहार पैदा हो गया। वो खरगोश ज्यादा जिया नहीं, 7 घंटे के भीतर मर गया। कितने घंटे के भीतर? 7। बीमारी दे देगा या मौत दे देगा। इसलिए तो आजकल कह देते हैं जो जानवर को मार करके खाते हैं और अगर काटते समय उसके भीतर कष्ट के कारण से बहुत सारे विटामिन से निकलते हैं, वो जब खाने वाले के भीतर जाते तो उसके भीतर भी आवेश पैदा करते, शांति नहीं रखते। छोटी सी चीज है क्रोध, और पारसनाथ के साथ बैठे हुए हो, इनके गुणों को देखते हुए कह लो उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव दुखदाई। इसलिए उत्तम क्षमा को धारण कर लो तो क्या होगा, इस भव में तुम्हें क्या मिलेगा, यश में मिलेगा। यार कुछ भी कर लो, बड़ा शांत स्वभाव का है। और आप अपने घर में किसको पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो, क्षमावान को या क्रोधी को? अगर आपके घर में पति और पत्नी है, और मान लो अगर पति क्रोधी है तो पत्नी भी कहती है जल्दी यहाँ से निकले, दुकान जाए, फालतू में यहाँ जाएगा तो दिमाग ही खाएगा। और पत्नी अगर क्रोधी है तो पति क्या सोचता है, क्या सोचता है, यहाँ से? जब अपने घर में ही आप महसूस कर रहे हो, और अगर वही प्रेम होता है तो जल्दी आने का इंतजार, किसके आने का इंतजार, जल्दी आने का इंतजार, वो भी इंतजार करी और वो भी जल्दी आने के लिए तैयार है। सोचो, जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक रूप से अपनापन आ जाता है, और जहां क्रोध होता है वहां अपने होते हुए भी, अपने होते हुए भी पराय हो जाते। जब ये स्वभाव आपके घर में दिख रहा है तो आप जिस चीज को पसंद करते हो उस चीज को अपने भीतर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। ये भव जस, घर में सब ये कहेंगे, समाज में भी अगर ठंडे स्वभाव का होता है, यार कुछ भी हो लेकिन स्वभाव, मैं भी तो हूं, कुछ भी बात होगी स्वभाव क्या रखता हूं, ठंडा रखता हूं, क्या रखता हूं, ठंडा रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ठंडा ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, ठंडा ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ठंडी में पेड़ों में पाले पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं। और आचार्य जब आप स्तुति करते हो पारसनाथ भगवान की, तो सबसे पहले ही कहते हो क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया, एकागारी कर्म को कहिए किस विधि तुमने। बोले हे प्रभु, आप तो बिल्कुल ठंडे हो गए थे, समता के धारी हो गए थे, फिर आपने कर्म रूपी शत्रुओं से कैसे लड़ा। बोले ख्याल करना, ठंडे होकर के लड़ने में ज्यादा ताकत आती है, क्योंकि सामने वाले का स्वभाव में ऊर्जा निकल जाती है गुस्से में, और तुम्हारी ताकत भीतर ही भीतर, बेड सेल्स नहीं गुड सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, और क्रोध करने वाले के
वेट सेल्स बढ़ते जाते हैं, ढीला पड़ता जाता है, क्या पढ़ने लग जाता है, ढीला। तो सोचो आप, जरा सी कितनी सी चीज़ है। तो समाज में भी रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे देश में रहे, क्रोधी स्वभाव वाले के प्रति दुश्मनी का भाव है, दिमाग का खराब है जब देखो तब, तो उससे कोई मिलना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। और शांत हो तो ठीक है यार, स्वभाव का अच्छा कुछ कारण होगा, फिर अपने आप कहने लगते हो यार वो तो शांति के कारण से कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो अभी तक तो घर में भी ऐसे होता है। तो संसार है ये, ये भव जस पर भव, अगर इस भाव में दुश्मनी नहीं लोगे तो पर भाव में पारसनाथ तो ऊपर जाते जा रहे हैं, और कमट, क्योंकि कमट क्रोध करता जा रहा है, और पारसनाथ, और एक भाव ने कितने भाव तक, 10 भाव तक वो अपने जीवन में रखे, तो हमारे तो एक भाव में भी आ रही है, इसी भाव में है, मिले हुए से हो। बोले झेल लो, क्या कर लो, थोड़े समय की जिंदगी है, अभी है कल रहे, या तुम रहो या दुश्मनी लेकर के आगे मत जाओ। गाली सुनी मन खेद न आनो गुण को अवगुण। अरे बाबा रे, बोले महाराज कहाँ कोई गाली बके और मन में खेद ना आए। बोले ना, भीतर समता धारण करना है तो अंधे भी होना है, बहरे भी होना है, और गूंगे भी होना है। क्या होना है, क्या होना है, अंधे भी, बहरे भी, और मोबाइल ज़्यादा देखने वाले जैसे हो जाते हैं। बोले अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, घर में कोई भी बड़बड़ाए कुछ नहीं सुनना, वो मस्ती में रहता है, वो कैसे रहता है, वो मस्ती में रहता है, ऐसे हो जाना। सुनोगे नहीं तो भाव भी पैदा, और सुनोगे तो सुन के भी बहरे बन जाओ। जो आप महाराज के प्रवचन के लिए कहते हैं ना, आजकल लोग इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं, उसके प्रवचन को इस कान से सुन के इस कान से भी मत निकालो, इसी कान में टकराने दो और यहीं से गिरा दो, क्योंकि अगर अंदर घुस गया तो कहीं ना कहीं वायरस पैदा दिमाग में कर ही देगा, कोई ना कोई विचार पैदा कर ही देगा, जिसे आप कहते हैं इग्नोर करो, उसे दूर करो, कोई मतलब नहीं, ठीक है चल रहा है, सो अपने आप ही भीतर से पैदा होने लग जाएगा। तो ये तो गाली शब्द है, गाली सुनी मन खेद ना, उसने अपना वचन खराब किया है, तू अपना मन खराब मत कर, बस सच और झूठ पहचान लेना तो अपना पता लग जाएगा, गुण को अवगुण आप समझ जाना, अगर गुण बोला है तो फिर तो कोई बात नहीं, और अवगुण बोला है तो वो झूठ बोला है। कहिए अयानो वस्त छीने बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे बैर जो ना। कितनी स्थिति बता दी कि लड़ जाए, मर जाए, पीट दे, घर से निकाल दे, संपत्ति भी ले ले, दुनियादारी से तुम्हें मुक्त भी कर दे, तो बोले तू अपने कर्म पर विश्वास कर, अगर तेरा पुण्य कर्म अच्छा होगा तो कोई घर से निकाल भी देगा तो तू उतने ज़्यादा स्थिति से और उससे भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रह करके तेरा पुण्य थोड़ा सा दबा हुआ है, और तेरे पाप का उदय होगा तो तू लड़ झगड़ के पूरा ले भी लेगा, तो बाद में कोई ना कोई लड़ाई, बीमारी, कोर्ट कचहरी, सरकार, टैक्स फलाने डिगाने में वो भी, और ये होता भी है। कई लोगों को आप देखो ना, घर से किसी बच्चे को निकाल दिया, बोले क्या करे, मेरे को तो फूटी कौड़ी नहीं दी, मैं भी गुस्से में उसी ड्रेस में निकला अपना सामान लेकर के, आज क्या हो गया, वो ऊँचा हो गया, और जिसने निकाला उस समय दबदबे के कारण से वो आज कैसा है, और दिखता भी है संसार में कितना बड़े, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो ना तहां धरे। क्या सोच करके, ते परम पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। बोले जब भी विपरीत स्थिति आए तो क्या सोच लो, कहीं ना कहीं मेरे अतीत का कोई ना कोई कर्म का उदय है। पारसनाथ यही तो सोच के समता धारे, यही सोच करके धारे, और छोड़ा कब तक नहीं उनको, जब तक मुनि नहीं बन गए, मुनि बनने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं, उसके उपरांत भी ऊपर से क्या कर रहा है, ओले सोले पत्थर। कई लोग घर में इतने अच्छे होते हैं, आप देखोगे कई बार बहुएं या माँ या बेटा या भाई इतने अच्छे होते हैं, शांत रहते हैं, फिर भी दूसरा उसके ऊपर क्या करता रहता है। बोले इसकी शांति का क्या करो, दुरुपयोग करो, ऐसा होता है, लेकिन कर्मोदय मान करके चलो। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले जियरा। अग्नि अगर पानी पे गिरेगी तो
बुझ जाएगी, पत्थर पे गिरेगी तो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, और तिनके पे गिरेगी तो तिनके को भी। तो आपका मन क्या है, पानी का सरोवर है या तिनके का भंडार, अपने आप में सोचना। अगर पानी का सरोवर है तो सामने वाले का क्रोध आएगा, आपके भीतर आते ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और अगर तिनके का भंडार है तो सामने वाले का एक चिंगारी आएगी और तुम और भड़क करके उसे क्या बना दोगे, दावानल बना दोगे। क्या बना दोगे? अब तुम्हें क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है? बोले बनाओ या ना बनाओ, मेरा तो टाइम हो गया, बनाओ या ना बनाओ, मुझे तो कोई। ये अपने लिए है संदेश, सब किसके लिए है, अपने लिए है। तमाम चीजें आएगी और तमाम चीजें आएगी तो क्या, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले जियरा। हे जीव कौन सा जल ले लो, समता। कौन सा ले लो, समता। तो आज उत्तम क्षमा धर्म है, कौन सा धर्म है। और ये कौन सा दीपक है, ये घी से जलता हुआ दीपक नहीं है, ये रत्न से जलता हुआ दीपक है, जो एक बार जल गया है जिंदगी भर बुझने वाला। ये वाला दीपक तो जितने देर घी है उतने देर जलेगा और बुझ जाएगा, इसमें कोई दूसरा कीट पतंग आएगा वो जल करके मर जाएगा। लेकिन रत्नों के दीपक में कभी बुझने वाला भी नहीं है, और कोई उसमें बैठ भी जाए तो जलने मरने वाला भी। तो आपको अपने भीतर कौन सा दीपक जलाना है, रत्नों का। और ये 10 दीपक जलेंगे, 10 दिन में कितने दीपक जलेंगे, और वो दीपक घी के नहीं होंगे, धुआं पैदा करने वाले तेल के नहीं होंगे, रत्नों के होंगे। ये दीपक तो बुझ जाएगा, आज दीपक जला है, शाम तक क्षमा का दीपक बुझ जाएगा, कल फिर एक जल जाएगा मार्दव का। लेकिन वो गुणात्मक दीपक है, और गुणात्मक दीपक अपने भीतर अपने आप को जलाना है। इसलिए आज आपको अवसर मिला है कौन से धर्म के पास आने का, उत्तम क्षमा। कौन से के पास, उत्तम क्षमा। ये धर्म है, इसलिए इसको क्या करना है, पूजा करना है या धारण करना है, धारण करना है। तो पहले से ही आप सोच लो, आपको आ जाए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, न तुम्हें चीटी बन के काटना है और न दीमक बन करके भीतर से मिटाना है। दोनों क्रिया क्रोध और प्रतिशोध का ही एक रूप है। तो जिंदगी मिली है और बड़े मुश्किल से ये जन्म, 10 धर्म आपके बीच में आते हैं और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा दे करके चले जाते हैं, और वही प्रेरणा केवल समता की दे रहे हैं, जो मंदिर में चंदन लगा करके प्रेरणा दे दी गई है। दिमाग को क्या रखो, क्या रखो, जवान को क्या रखो, मौन, क्या रखो, क्या रखो, चुप्पी। हो गया काम, तय कर लो। जिसे अपन कहते थे ना कि दिमाग को बना लो फ्रिज, क्या बना लो, क्या होगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जीभ में क्या ले लो, मिठास, शुगर, स्वादिष्ट, कौन सी चीज। इसलिए उतावलेपन में किया हुआ कार्य तात्कालिक आनंद तो दे सकता है, लेकिन अपने पीछे पश्चाताप छोड़ करके जीवन में पश्चाताप न करना पड़े, इसी उपाय का नाम है उत्तम क्षमा धर्म। इसे स्वीकारें, आगे बढ़ें इसी पुनीत भावनाओं के साथ। लीजिए अपने हाथों में अर्घ, और उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ चढ़ाएंगे आप। ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। आज 2 सज्जनों का विधान है, दोनों सज्जनों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। शेष चर्चा अब यहाँ पर पंडित जी कराएंगे 10:15।